देखो गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट इज 8.2 के बीच में, मतलब 8.2 से 8.5 के बीच में, यानी 8.2 से 8.5 के बीच में अगर रीडिंग रहती है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द फर्स्ट टू पीएच रीडिंग आर 8.48 एंड 8.35, जो पहली दो रीडिंग दी हुई है, यानी फर्स्ट रीडिंग हमें दी हुई है 8.48 और जो सेकंड रीडिंग दी हुई है वो हमें दी हुई है 8.35, ठीक है, ये हमें रीडिंग दी हुई है। तो हमें थर्ड रीडिंग की वैल्यू बतानी है, थर्ड रीडिंग की वैल्यू क्या होगी जिससे हमारा जो एसिडिटी का जो क्या बोलते हैं एवरेज है, यानी जो पीएच रीडिंग है वो जो पीएच रीडिंग का एवरेज है वो हमारा जो है नॉर्मल आए, नॉर्मल लेवल पे आए, ठीक है। तो क्या करोगे, हमें क्या बोला है कि इसके बीच में होनी चाहिए एवरेज, एवरेज निकालो पहले। इसको हम मान लेते हैं कि लेट दिस बी एक्स, तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, 8.48 प्लस 8.35 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3, है ना, यही होता है एवरेज। और हमें क्या बोला है कि जो नॉर्मल रीडिंग है, जो नॉर्मल रीडिंग है वो हमारी 8.2 से बड़ी हो सकती है, जो एवरेज है, और 8.5 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें हम इनइक्वालिटी इस तरह से लगा देंगे, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो 8.2 इज लेस देन एक्स, ये प्लस 16.83 अपॉन 3 लेस देन 8.5, ठीक है। डिनोमिनेटर हटाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से सबको, तो ये कितना आएगा, 3 2 6 और 3 8 24, तो 24.6 इज लेस देन एक्स प्लस 16.83 और ये हो जाएगा 8 5 40, 8 3 24 25, सॉरी 5 3 जो होता है ना, 5 3 15, 8 3 24 25, 25.5, ठीक है। तो अब हम दोनों केस बना के सॉल्व कर लेते हैं, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो 24.6 इज लेस देन x प्लस 16.383, तो जो x की वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास में इसको सॉल्व करने में, x 7.7 समवेयर, ठीक है, 7.7 आएगी इधर। और बात करें अगर ये वाली सॉल्व करें तो जैसे x प्लस 16.83 इज लेस देन 25.5, तो जो x है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 16 इज समवेयर 8.67, है ना। तो या ये इसका सोल्यूशन था, काफ़ी इजी सोल्यूशन था, क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन काफ़ी इजी सोल्यूशन है। तो या अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।